फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचपी टैट आर्ट्स का सॉल्व पेपर जो कि आज ही हुआ है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी। तो फ्रेंड्स हर्षचरित्र की रचना की थी वानवट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग वेद। नेक्स्ट है, भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो सम्राट अकबर का जो राजस्व मंत्री है वो है टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स जंग बंगाल के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डार्जियो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। आईने अकबर किसने लिखी। तो आईने अकबर लिखी है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कॉफी का जो उत्पादन होता है, तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अलेक्जेंडर कनिंगम को। गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी। तो फ्रेंड्स गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है वो लिखी है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, जयदेव किरण ने। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1025 ईस्वी में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है। तो दक्कन का पठार जो है वो भारत में है, महाराष्ट्र में स्पेशली लीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक, एक जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ में जहाँ से तीन नदियाँ निकलती है, जिसमें नर्मदा नदी होगी, सोन नदी होगी और महानदी होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी है फ्रेंड्स वो पाई जाती है ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें गुजरात में पाई जाती है। बेसिकली ये काली मिट्टी जो होती है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया गया है गुजरात, तो गुजरात से इसका सही आंसर है। इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका का रचना की थी मेगास्थनीज ने। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ। तो रेलवे का आरंभ हुआ था 1853 में, और ये किसके द्वारा हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अप्रैल 1919 में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के दाएं तरफ स्थित है। ये आपको जो क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट किए गए हो तो हमने ये लगभग सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं हमारे चैनल पर। इस सभी क्वेश्चन डिटेल से करवाए गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी विष्णुगुप्त, चाणक्य ने, और चाणक्य ने गणानंद को हरा करके, चंद्रगुप्त गणानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। पंचतंत्र का लेखक था। तो पंचतंत्र की रचना की है किसने, विष्णु शर्मा ने। चोरी चोरा की घटना कब हुई। तो चोरी चोरा की घटना हुई थी 1922 में। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो में करवा दिए गए हैं, अगर आपने अपनी हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो है अशोक घोष। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे से जो हमने करवाए हैं वो वहाँ से आए हैं। इसके बाद गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था, वह है आर्यभट्ट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, वो हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक है M.S. स्वामीनाथन, और हरित क्रांति कब हुई थी, ये 1970 के दशक में हुई थी,
और उसमें गेहूं और चावल में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। खुजराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खुजराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। और खुजराहो के टेंपल है कहाँ? जे एमपी में है। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगाली वास्को डी गामा ने 1498 में केरला के तट में प्रवेश किया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका में पाई जाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे पुरानी श्रृंखला है वो है अरावली, और अरावली कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, इसके साथ हिमालय, हिमालय तो हिमालय जे बाकी सारे ये जितनी भी है नवीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी जो है वो अरावली है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे गुजरती है? ठीक है, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है फ्रेंड्स, और राजस्थान हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसके बाद बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आदि राज्यों से गुजरती है। और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो है राजस्थान, बाकी हिमाचल से नहीं, तमिलनाडु से नहीं, पंजाब से नहीं। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो किलिमंजारो फ्रेंड्स, किलिमंजारो जो पर्वत श्रृंखला ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका में एक कंट्री पड़ती है तंजानिया, ये वहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेपाल में, तो नेपाल में हिमालय में, हिमालय पर्वत श्रृंखला नेपाल में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? तो जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे BJP होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, इसके बाद कई पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी होगी, BSP होगी, इन सभी को जो चुनाव निशान देता है, चुनाव चिन्ह देता है, वो देता है चुनाव आयोग। भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है? तो जो कपास की मिलें हैं भारत में वो सबसे ज़्यादा वो है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे बोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी बीजेपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ऐसा कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? तो वो है, उस राज्य का नाम है वो है महाराष्ट्र, बाकी सारे के सारे राज्य जो पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, बेल्जियम की, बेल्जियम में पड़ता है ब्रुसेल्स, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। NSS का क्या चिन्ह है? रथ चक्कर, रथ चक्कर NSS का चिन्ह है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई? तो इंग्लैंड में, UK में सबसे पहला जी औद्योगिक क्रांति आई थी। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? 1929 में विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, जहाँ बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां चली गई थी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है, महानदी पर है जी। भारत में सिलिकॉन घाटी कौन सी है? तो सिलिकॉन घाटी है जी बेंगलुरु में है, ठीक है, IT सेक्टर से रिलेटेड है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1950 में, और 2014-2015 में इसे समाप्त करके इसकी इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई BJP सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत में पड़ता है, बंगाल में पाया जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था घरेलू महिला सुरक्षा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की गति क्या है? तो भारत की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? एंजल जल प्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। NCC का गठन कब हुआ? 1948 में NCC का गठन हुआ था। राष्ट्रीय गान जनगणमन गाने का सही समय क्या है?
52 सेकेंड, ठीक है 52 सेकेंड जो सही समय है इसका। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाते लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो जो चंद्रमा है वो एक चक्कर 27 दिनों में पूरा कंप्लीट करता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को, जूट को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके इंग्लिश और बाकी सेक्शन को भी आगे करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये लगभग हमारे द्वारा लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि एचपी टैट के एग्जाम में आए हैं वो हमने जो करवाई है स्टडी उनसे आए हैं। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।